हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार मोंडकर वेलकमिंग यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ कैच 25 साइंस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले वर्क एनर्जी पावर एंड कोलिजन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली नीट एग्जाम में आता है, और अगर आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉपर स्टडी किया नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो भी टेंशन नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट प्रॉपर वे में क्लियर हो जाए। वन मोर थिंग, इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई है। मैं जो चीज़ें हाईलाइट करूंगा, आप उनको याद रखना, आपके लिए उतना बेनिफिशियल हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन इज द सब्सक्राइब बटन। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करो सो दैट आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। बेसिक चीज़ें वर्क की, जैसे वर्क क्या होता है। अगर मैं किसी चीज़ में फोर्स लगाता हूँ और वो चीज़ डिस्प्लेस होती है, आई सेड दैट वर्क हैज़ बिन डन, मैंने कुछ काम किया है, उसी को वर्क बोलते हैं। यूनिट वर्क का जूल होता है, एंड डायमेंशन लिखना तो आपको आता है। अगर मैं पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क की बात करूँ, देन हाउ डू आई डिसाइड इट। पॉजिटिव और निगेटिव वर्क डिसाइड करने के लिए वर्क का एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। इवन दो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इफ़ यू रिमूव दिस डॉट यू गेट समथिंग व्हाट वी कॉल एज fs cos थीटा। तो ये थीटा डिसाइड करता है कि आपका फोर्स पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा कि जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, समझो ये डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स आपका ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन दिस सिनारियो द थीटा इज जीरो, एंड जब थीटा जीरो होता है तो कॉस जीरो मैक्सिमम वैल्यू देता है, दैट इज वन। सो आपको इस सिनारियो में मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा विच इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर आप यही सिनारियो चेंज कर दोगे एंड यू डू समथिंग लाइक दिस, अगर आप कुछ इस तरह से डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो एंड ये फोर्स देख रहे हो, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, योर थीटा विल बिकम 90 एंड योर कॉस 90 विल बी इक्वल्स टू जीरो। दैट मींस वर्क डन जो क्रिएट होता है वो जीरो होता है। यही चीज़ याद रख के हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इन एनी काइंड ऑफ सर्क्यूलर मोशन, वेन एवर आई टॉक अबाउट वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, इट विल बी ऑलवेज जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टूवर्ड सेंटर होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसको परपेंडिकुलर होता है। तो ये हुआ एस का डायरेक्शन, ये हुआ एफ का डायरेक्शन, एंगल कितना हुआ दोनों के बीच का 90 डिग्री, एंड दैट इज वाई योर वर्क डन इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी जीरो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एंगल के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर यही चीज़ में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट है तो एंगल 180 हो जाएगा, कॉस 180 माइनस 1 होता है, एंड इसी तरह से आपको निगेटिव वर्क मिलेगा। निगेटिव वर्क इंडिकेट्स दैट इवन दो यू आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। ऑब्जेक्ट जाना चाहिए था आगे क्योंकि आप उसको पुश कर रहे हैं, बट आपका ही मोशन अपोजिट हो रहा है, इसी को निगेटिव वर्क बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे और डेप्थ में आप पढ़ लेना। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मेथड्स ऑफ वर्क डन बाय फोर्स। पहला वाला है कांस्टेंट फोर्स, सबसे इजी वाला, जो जनरल फॉर्मूला याद दिलाया है मैंने वो याद रखना, दैट्स इट, मोर देन इनफ हो जाएगा। अगर समझो आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइडेड नहीं है, बट इंस्टेड उन्होंने दो पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड किए R1 एंड R2, देन डिस्प्लेसमेंट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू पोजीशन वेक्टर, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1 करके निकाल लेना। एक और चीज़, कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, आपको फोर्स 3i प्लस 2j प्लस 5k ऐसे फॉर्मेट में दिया जाएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा i माइनस j प्लस 4k फॉर्मेट में, और आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है विच इज गिवन बाय f.s। तो अभी इस केस में आप डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, जो है f1s1 प्लस f2s2 प्लस f3s3। दैट इज हम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आई के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन जे के, देन के के, एंड सो ऑन। ये था इजी वे। बट अगर समझो फोर्स नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स फोर्स कंटिन्यूअसली सेम नहीं रह रहा है, इट इज़ नॉट 10 न्यूटन थ्रू आउट द मोशन, इंस्टेड इट इज़ गेटिंग चेंज कंटिन्यूअसली। अभी 10 था, 12, 15, 16, कम हो रहा है 8, 9, एंड यू डोंट इवन नो व्हाट टू डू इन दैट केस। ऐसे केस में आपके पास दो वे है,
पहले तो आप एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो उस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ हमेशा आपको वर्क डन प्रोवाइडेड करता है। ये था बेसिक सा इजी सा लॉजिक। बट अगर समझो ये एरिया वाला मेथड भी काम नहीं कर रहा है तो क्या करोगे आप? तो ऐसे सिनारियो में आपको हेल्प लेनी पड़ती है इंटीग्रेशन की। सो यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट इज वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स। मतलब इन्होंने एस में लिखा है, मैं डी एक्स में लिखूंगा, और मैं कॉस थीटा को निग्लेक्ट कर रहा हूँ, बट अगर समझो थीटा भी मेंशन किया है तो वो लेना पड़ेगा आपको। सेकेंड चीज, आपके लिमिट्स होंगे एक्स वन एक्स टू, वेर एक्स वन विल बी यूर लोअर लिमिट एंड एक्स टू विल बी यूर अपर लिमिट। ओके, बहुत सारे लोग ना एक कंफ्यूजन में हो जाते हैं, उनको लगता है लोअर मतलब हमेशा वैल्यू लो ही होना चाहिए। बट द वे आई वुड लाइक यू टू रिमेंबर थिंग्स इज दिस, लोअर मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड अपर मतलब एंडिंग पॉइंट। तो अगर समझो एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे स्टार्ट हो रहा है एंड 3 मीटर पे उसका जर्नी खत्म हो रहा है तो होने देना, क्या प्रॉब्लम है? आप 5 को नीचे ही लिखोगे, 3 को ऊपर ही लिखोगे, इवन दो आई नो 5 इज लार्जर देन 3, स्टिल स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा लोअर लिमिट रिप्रेजेंट करता है। ये सिंपल सी चीज को भूलना मत, आगे कंटिन्यूएशन करते हैं। ये सब वही चीज बताइए कि कैसे इंटीग्रेशन करना है। आप जस्ट लॉजिक याद रखो जो मैंने बताया, दैट वुड बी मोर देन इनफ। नाउ वर्क डन इन केस ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। भाई पहले तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव लेक्चर में सिखाया है, आप अच्छी तरह से उसको समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझा तो लेक्चर के नोट्स ओपन करो, उसको रेफर करो। कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जिसमें जो वर्क डन किया जाता है फोर्स से, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो कोई भी पाथ आप चूज करो, आपका वर्क डन सेम रहेगा। बट इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आपका पाथ चेंज होता है तो वर्क डन चेंज होता है, दैट मीन्स वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की। सबसे फेवरेट मेरा फोर्स है कंजर्वेटिव का ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड इस ग्रेविटेशनल फोर्स से एसोसिएटेड एनर्जी है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी यहाँ पे इन्होंने एक सिनारियो के बारे में बात की है, एक ब्लॉक ए टू बी ए टू बी ए टू बी ऐसे मल्टीपल वे में पहुंचाया गया है। कभी हम लोगों ने स्लोप यूज किया, कभी डायरेक्टली ऊपर लेके गए, कभी ऑब्वियसली ओबड़ दोबड़ पाथ चूज किया है। द पॉइंट इज, नो मैटर वॉट काइंड ऑफ पाथ यू चूज, योर पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम, बिकॉज द वर्क दैट यू प्रोवाइड, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, बराबर ना, दैट विल रिमेन सेम। और इसीलिए आपका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा MgH ही रहेगा। कैसे आया, क्यों आया, डजेंट मैटर। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आपको याद रखनी है, अगर समझो मैं कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट जर्नी, दैट इज मैं A से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं फिर से A पे ही खत्म कर रहा हूँ, तो मेरा नेटवर्क डन जीरो हो जाता है। याद रखना, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन ओवर अ लूप विल बी जीरो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू के लिए भी हेल्प करेगा। क्या बोला? वर्क डन इन केस ऑफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एंड ओवर द लूप, लूप मतलब कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो होता है। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। अच्छा, वन मोर थिंग, ए टू बी लेके गए, एज हम लोग वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता तो वर्क डन यहाँ किया हुआ और हर जगह पे किया हुआ सेम रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक बढ़िया एग्जाम्पल लिया है उन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स का। अगर समझो ये ब्लॉक ए लोकेशन से बी लोकेशन जाता है तो जो वर्क डन क्रिएटेड होता है दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू एम जी। अभी ये सर कैसे आया? अरे इजी चीज है यार, सॉरी म्यू एम जी एस इजी चीज है। कैसे? सो वर्क डन विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स क्या है आपका, रुको एक मिनट, वर्क डन विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है विच इज म्यू एन इंटू एस, बट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्विवेलेंट टू एम जी, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी एस। और इसी तरह से आपने वर्क डन का फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। अभी देखो, अगर आप ब्लॉक को ए टू बी मूव करोगे तो आपका वर्क डन रहेगा म्यू एम जी एस। अगर यही ब्लॉक आप रिटर्न लेके आओगे तो जाने के लिए आपने म्यू एम जी एस यूज किया, आने के लिए आपने म्यू एम जी एस यूज किया, तो टोटल कितना हो गया? टू एम म्यू एम जी एस, मतलब डबल हो गया। इन शॉर्ट बोलने का पॉइंट ये है कि जीरो तो नहीं हो रहा है। तो नॉन कंजर्वेटिव में आप ओवर द लूप कैलकुलेट करोगे तो इट इज नॉट जीरो। नेक्स्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इग्नोर।
द एनर्जी के रिलेटेड अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डिफरेंट यूनिट्स है, तो ये यूनिट्स को जरा याद रखना, स्पेशली जूल कैलोरी ईवी, ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, बाद काम आएंगे बहुत बार. नेक्स्ट, मास एनर्जी इक्विवेलेंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में 2020 नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था. ई प्रोवाइडेड था, एम प्रोवाइडेड नहीं, ई प्रोवाइडेड था, सी प्रोवाइडेड था एंड एम निकालना था, ऐसा ही कुछ था. या फिर मे बी एम एंड सी प्रोवाइडेड था, ई निकालना था. इट्स वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आइंस्टाइन ने प्रोवाइड किया था, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज मास टाइम स्क्वेयर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. सो यू कुड यूज दिस पर्टिकुलर लॉजिक फॉर योर एडवांटेज. नेक्स्ट वन, अच्छा हाईलाइट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, और क्या चाहिए तेरे को. द नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, नॉट गोना डिस्कस. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर विच कैन बी इक्वेटेड टू वर्क डन. इनडायरेक्टली मैं बोलूं, यहाँ पे हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दिस पर्टिकुलर थियरम इज नोन एज वर्क एनर्जी थियरम. आपको इस वर्क एनर्जी थियरम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे. अभी व्हेन डू वी यूज वर्क एनर्जी थियरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ. वर्क एनर्जी थियरम तब यूज करते हैं इफ एफ इज नॉट गिवन और इफ एस इज नॉट गिवन. मतलब अगर समझो एफ एंड एस आपको गिवन नहीं है, तो आपके पास कोई वे नहीं है, आपके पास दो वेलोसिटीज अवेलेबल है, एक इनिशियल एक फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी को यूज करके आप आराम से इस प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हो. क्योंकि इस केस में क्या लगेगा, आपको सिर्फ दो वेलोसिटीज तो चाहिए और दो वेलोसिटीज आप आराम से निकाल सकते हो. ओके, तो ये कंसेप्ट होने के बाद अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में, जिसके ऊपर सीईटी एज वेल एज नीट एग्जाम में भी पहले क्वेश्चन आ चुके हैं. तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय पी स्क्वायर अपॉन 2m. डेरिवेशन कैसे आया वो यहाँ पे आप रेफर कर सकते हो, मैंने भी ये क्लास में भी आपको सिखाया. काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m. वेरी की फॉर्मूला, रट्टा मारना ही है. नेक्स्ट, वेरियस ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आपको ग्राफ के नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा. अभी आप हर एक ग्राफ रट्टा नहीं मारोगे, आप लॉजिक रट्टा मारोगे. अगर समझो कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस क्वांटिटी के स्क्वायर को होती है, तो ये पैराबोलिक नेचर शो करता है. क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर. तो 4a अगर कॉन्स्टेंट लिया तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. देखो y एक्सिस पे क्या है, k, x एक्सिस पे क्या है, v. वही चीज हुई ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. बोलने का पॉइंट ये है, अगर आपको इस पर्टिकुलर नेचर में कोई ग्राफ मिला, तो यू कुड डायरेक्टली से दैट इट विल बी पैराबोलिक इन नेचर. सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट के टर्म्स में आपको मिल रहा है, मतलब ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, तो ऐसे ग्राफ. इनवर्स का ये ग्राफ, इनवर्स का तो भाई याद ही रखो, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. तो इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह होता है. देन अगर समझो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी ये ग्राफ में और ये ग्राफ में फर्क है. देखो इस ग्राफ में आपके जो y एक्सिस का कांस्टेंट है वो रूट में, यहाँ पे x एक्सिस का रूट में, तो फर्क समझो. ये जो ग्राफ है ना उनका फर्क समझो. ये देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर का है. अभी ये पर्टिकुलर ग्राफ में उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड वाला साइड शो नहीं किया है, क्योंकि वो मोमेंटम को निगेटिव में कंसिडर नहीं कर रहे, तो एक ही साइड शो किया है. इवन दो इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्सट्रीमली सॉरी, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. तो मतलब क्यों ऐसा नहीं है क्या सर ये साइड नहीं हो सकता, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. बट काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम मोस्ट ऑफ द टाइम शोज दिस काइंड ऑफ ग्राफ. तो एक थोड़ा एक्सेप्शन है, उसको याद रखो. लेट्स नाउ मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट. अगर समझो आपको एक व्हीकल दिया है और व्हीकल स्टॉप करना है, तो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, तो यू कुड ईदर यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला x इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2f. द अदर वे इज दैट अगर आपको ये सारे फॉर्मूला रट्टा नहीं करने हैं, तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करोगे और आप इस चैप्टर के कंसेप्ट यूज करोगे. दैट इज यू विल यूज फॉर्मूलाज ऑफ वर्क पावर एनर्जी, वो सिंपल सिंपल वाले जो बेसिक लगते हैं वो, एंड एक्स्ट्रा थिंग यहाँ पे होती है दैट इज काइनेमेटिकल इक्वेशन. सो इफ यू यूज बोथ ऑफ दीज थिंग्स, यू कुड इजिली गेट स्टॉपिंग टाइम, मतलब कितने टाइम में रुका और कितने डिस्टेंस पे रुका. तो ये सारी चीजें हम लोग रट्टा नहीं कर सकते ना यार, कितना रट्टा मारेगा तू. तो दैट्स व्हाई मेथड भी सीखना जरूरी है. नेक्स्ट थिंग इज दैट दो व्हीकल्स के स्टॉपिंग डिस्टेंस का कंडीशन है. आई वुड सजेस्ट कि इसमें अगर आप याद रखोगे तो वो बेटर रहेगा.
अगर समझो व्हीकल का स्पीड सेम है दोनों का, तो दोनों का x1 अपॉन x2 का वैल्यू उनके मास के ऊपर डिपेंड होता है, एंड t1 अपॉन t2 वो भी मास के ऊपर। अगर मोमेंटम सेम है तो x1 अपॉन x2 मास के उल्टा आता है, ओके okay? अगर मोमेंटम सेम है तो ऑल दिस थिंग्स आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन दिस लॉजिक, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वेयर अपॉन 2m। तो ये लॉजिक जो है वो लॉजिक यूज कर करके इन्होंने सॉल्व किया है, बट आई पर्सनली थिंक इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के केस में आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, सॉरी ये वाला, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। और आपको पता है वर्क डन इंटीग्रेशन से निकाला जाता है जब आपका फोर्स नॉन यूनिफॉर्म हो, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट चीज, अगर समझो आपको थ्री डायमेंशन में दिया तो इग्नोर। हाँ, अभी पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व में आप पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हो, और इस पर्टिकुलर नेचर के लिए हमें ये वाला लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये फॉर्मूला आई वुड सजेस्ट यू टू रिमेंबर, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टफ नहीं है रे, निगेटिव ग्रेडियंट मतलब अपॉन डिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू फोर्स। तो आपने लिखा निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फोर्स से इक्वेट होता है। अगर समझो वो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये जो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव आता है। अगर रिपल्सिव फोर्स है तो डी यू बाई डी एक्स निगेटिव आता है, और अगर सिस्टम में फोर्स ही नहीं है तो डी यू बाई डी एक्स जीरो आता है। तो ये जो चीज है वो याद रखनी है, क्या अट्रैक्टिव फोर्स डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव, देन रिपल्सिव फोर्स डी यू बाई डी एक्स निगेटिव, जीरो फोर्स डी यू बाई डी एक्स जीरो। तो ये चीजें अच्छी तरह से याद रखो। एक और चीज, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम डी यू बाई डी एक्स विल बी जीरो। बेटर चीज है कि आप ये तीन डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम याद रखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां पे आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा। समझो आपने इस मार्बल को मूव करके अपर साइड रखा, तो दिस मार्बल विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सच काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम डबल डेरिवेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स विल बी पॉजिटिव। मुझे ये चाहिए ये, ओके। सेकेंड, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव। अनस्टेबल में क्या होता है, अगर समझो इस मार्बल को आपने पुश किया, वो कभी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न नहीं आ पाएगा, वो ऐसे पाथ लेके रिटर्न आगे चला जाएगा, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल बोलते हैं। एंड देन कम्स न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसमें डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, आप इस बॉल को उठा के कहीं भी रख दो वो वही के वही रहेगा, ना वो रिटर्न जाने की कोशिश करेगा ना वो अवे जाने की कोशिश करेगा, सो वो न्यूट्रल रहेगा। दैट इज व्हाई दिस इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिर बात आती है हुक्स लॉ रिलेटेड, तो हुक्स लॉ के हिसाब से एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, और यही फॉर्मूला हम लोग स्प्रिंग के केस में यूज करेंगे। स्प्रिंग के केस में कुछ और फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर, या तो हाफ एफ एफ एक्स, या फिर ये नहीं, सब मत करो यार, सब मत करो, मैं जो बोल रहा हूँ यही याद रखो। एक ये याद रखना है यू इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और दूसरा ये याद रखना है कि दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो के एक्स, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज नहीं देखे तो माइनस के एक्स, ओके। फिर आपके ये ऑसिलेशंस वाले कंसेप्ट है, आपको वो समझ जाएंगे। ऑसिलेशंस में जो होता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी कब पॉजिटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी कब निगेटिव होता है, कब मिनिमम होता है, जस्ट आपके लॉजिक के लिए बताता हूँ कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, मतलब जब ऑब्जेक्ट यहाँ और यहाँ पे हो, दैट इज व्हेन इट इज एट प्लस ए और माइनस ए लोकेशन। इन दैट पर्टिकुलर केस उसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर हो जाता है। उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एट लोएस्ट लोकेशन होता है, दैट इज जब एक्स का वैल्यू जीरो हो मीन पोजिशन पे। तो एक्स का वैल्यू जीरो डालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। एंड ये ग्राफ क्रिएट हो जाता है जहाँ पे अगर आप ये वाला बी वाला ए वाला ग्राफ सॉरी पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ देखोगे तो वो एक्स लोकेशन पे जीरो होता है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे बढ़ता जाता है,
उसके उल्टा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी शो करता है। काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होता है। देन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की, दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, यू इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 एंड सेकेंड वन इज यू इक्वल्स टू QV वेयर एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। बस हो गया ये कंसेप्ट। देन बात होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा ही है, फिर भी पढ़ लो, इट इज -mgh/1+h/r। निगेटिव साइन किस लिए शो किया गया है, क्योंकि उस वैसे टाइप का मोशन है। ओके मतलब निगेटिव साइन नॉर्मली मैग्नीट्यूड में ही हम लोग देखते हैं, तो निगेटिव साइन को आफ्टर सम टाइम आर गोइंग टू इग्नोर एनीवे। अभी बात करते हैं वर्क डन इन पुलिंग द चेन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मोस्टली JEE में आते हैं, बट राइट नाउ लेट्स नॉट, अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट की तरह याद रखेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व करने वाले, मोस्टली JEE लेवल के कंसेप्ट है, बट स्टिल अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो द वर्क डन वाइल पुलिंग द चेन, मान के चलो ये जो लेंथ है ना, ये जो जितना नीचे है दैट इज L/N। सर N क्या होता है, तो द N रिटर्न ओवर हियर कि वो कितना नीचे है 1/nth टाइम, लाइक लेट्स से कि नीचे है 1/6th टाइम, तो आप क्या लिखोगे L/6 ऐसे। तो N आपको टाइम बताया कि कितने टाइम वो नीचे है, एंड आपका वर्क डन का फॉर्मूला विल बी MgL/2n² और वेलोसिटी ऑफ द चेन। लेट्स इग्नोर दिस कंसेप्ट, वी आर गोइंग टू इग्नोर इट एनीवे। देन नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट। मतलब अगर समझो मैं दो पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ और उन दो पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी को एडअप कर रहा हूँ, तो ये टोटल एनर्जी हमेशा हर पॉइंट पे सेम रहेगा। तो ये हुआ आपका बेसिक लॉजिक। नेक्स्ट फॉर्मूला और नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू पावर। पावर के दो मेन फॉर्मूले हैं और आपको वही दो मेन फॉर्मूले याद रखोगे तो भी सफिशिएंट है। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, द सेकंड वन इज पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये दो पॉइंट याद रखने के बाद आगे जाएंगे, आप ये यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ लेना। 1 HP 746 वॉट होता है, वो भी याद कर लेना। और अगर समझो वर्क डन सेम रहेगा तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, बट इसको सेपरेटली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, अगर आप वर्क एंड टाइम ग्राफ लोगे और वर्क एंड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालोगे तो आपको पावर मिलेगा। वहाँ पे हम लोगों ने वर्क निकाला तो वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था, यहाँ पे वर्क टाइम ग्राफ पे फर्क समझो। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट, ये इग्नोर करते हैं, वी डोंट वॉन्ट दैट पोजिशन एंड ऑल दैट। कोलिजन, तो कोलिजन में आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने सिखाई थी कि कौन से टाइप के कोलिजन होते हैं। बोर्ड्स के नोट्स ओपन करो, पहले वो बेसिक पढ़ो, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, देन आफ्टर दैट कोएफिशिएंट ऑफ कोलिजन क्या होता है, ई का वैल्यू क्या क्या चेंज होता है। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होते हैं, वेर एज इन इलास्टिक कोलिजन ओनली एंड ओनली मोमेंटम इज कंजर्व। ओके तो मोमेंटम एक्चुअली दोनों में कंजर्व होता है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक में। इलास्टिक कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, इन इलास्टिक में इट विल बी बिटवीन 0 to 1, एंड अगर मैं परफेक्टली इन इलास्टिक बोलूँ तो इट विल बी E=0। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए एक और चीज़ याद रखना, कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का फाइनल स्पीड सेम होगा। ओके और बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है। इसमें से ऑब्लिक कोलिजन आने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर आया तो आपको रिजोल्यूशन यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मान के चलो ये वेलोसिटी V1 है तो आपको V1 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके नाउ लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इट इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी ये फॉर्मूला है ना, ये दो फॉर्मूला जस्ट याद रखो, E V2 - V1 / V1 - E2, और फिर ये चीज़ें याद रखो कौन से कोलिजन के लिए कौन सा है। अच्छा नाउ अगर समझो कोलिजन इलास्टिक हेड ऑन है तो आप उनके फाइनल वेलोसिटीज़ के लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी याद कर सकते हो। इनको याद करने का ट्रिक मैंने सिखाया था, अपॉन में हमेशा देखो M1+M2 आएगा, सो इजीली आप एक पैटर्न प्रेडिक्ट कर सकते हो एंड देन वी कैन मूव ऑन।
उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे हम लोगों ने लेक्चर्स में भी। मान के चलो कि दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है एंड एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दैट मीन्स यू टू इक्वल्स टू जीरो एंड इसका इनिशियल वेलोसिटी है यू वन। जब वो कोलाइड करेंगे तो वो वेलोसिटीज को एक्सचेंज करेंगे, दैट मीन्स अभी पहला वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट मूव करेगा विद पहले वाले का वेलोसिटी। और अगर रेस्ट पे नहीं भी कंसिडर करना है तो भी कोई इशू नहीं है। याद रखना, अगर वो आइडेंटिकल हुए और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक टाइप का हुआ तो वेलोसिटीज एक्सचेंज होती है। ये बाकी के कंडीशंस भी याद करने की कोशिश करो, अगर याद नहीं हो रहे तो बात नहीं, हम लोग उनको डिराइव आराम से कर लेंगे। द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट आई एम इंटरेस्टेड इन इज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना ट्रांसफर होता है, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला दिस, ये वाला। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में बेस्ड 2019 में क्वेश्चन आया था, ओके, कि कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ड्यूरिंग हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो डेल्टा के बाय के M4 M1 M2 रट्टा मारना है, यस डेफिनेटली मारना है। बाय द वे, डेल्टा के बाय के इज समटाइम्स ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अगर परसेंटेज के टर्म्स में निकालना है, इनटू 100 करना, बस हो गया, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये होने के बाद लेट अस नाउ टॉक अबाउट ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये सब जाने दो। द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट आई एम इंटरेस्टेड इन इज दिस वन, वेलोसिटी और हाइट आफ्टर nth बाउंस। तो हाइट वेलोसिटी आफ्टर nth बाउंस इज गिवन बाय e रेस टू n इनटू v0, वेर v0 इज इनिशियल वेलोसिटी। अगर समझो वेलोसिटी आफ्टर 5th बाउंस निकालना है तो इट विल बी v5 e रेस टू 5 इनटू v0 एंड दिस इज हाउ यू कुड इजीली फाइंड आउट दैट वेलोसिटी, ओके। और बाकी बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे, बट ये सारे फॉर्मूलाज आप याद नहीं रख पाओगे एंड हेंस वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस फॉर्मूलाज, ओके। देन वंस दिस पर्टिकुलर थिंग इज ओवर, आपको एक टाइप के सम आएंगे जिसमें बुलेट एंड ब्लॉक होगा। देखो, जब बुलेट इनिशियली आ रही है तो ब्लॉक रेस्ट पे है, तो ब्लॉक का वेलोसिटी जीरो लेना है। अभी क्या आप ये फॉर्मूला सब याद रखोगे, मतलब सिस्टम के लिए, बुलेट के लिए सेपरेट? नहीं, लॉजिक याद रखो यार। तो अगर ऐसे टाइप का सम आ रहा है तो मैं आपको प्रॉपरली लॉजिक वाइज इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस पार्ट के लिए इतना ही, मैंने जितनी चीज़ें बोली उतनी ही याद कर, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने जाएगा सारी चीज़ें भूल जाएगा। दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स इफ यू हैव फाउंड दिस यूजफुल। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।